राजस्थान में जहां राजनीतिक हलचल चल रही है, वहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां भी उड़ रही हैं। हर रोज लोग दिन दहाड़े राह चलते किसी पर भी फायरिंग कर रहे हैं। लोगों में कानून का कोई डर नहीं है। दिन दहाड़े हो रही फायरिंग का अब जिम्मेदार कौन है और इस पर सरकार व पुलिस कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? आज हम आपको बता दें कि भरतपुर, सीकर व पाटन में दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। और ऐसा ही एक मामला कल जयपुर में सामने आया, जहां पर आदित्य जैन जैन अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी धोने का काम करते हैं। उस समय वो गाड़ी धो रहे थे, उसी समय दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और फायरिंग करना शुरू कर दिया। पहली गोली कार की पिछली सीट पर जाकर के लगी और दूसरी गोली आदित्य जैन के हाथ में जाकर लगी, जिसके चलते आसपास की सभी गाड़ियों पर खून के छींटे लग गए। इसके बाद आदित्य जैन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर चल रहे हैं। डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने कहा कि ये वारदात सुबह 9:30 बजे के आसपास हुई थी और उस समय से ही उस इलाके के सभी लोग डरे हुए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है। वह सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है। साथ ही पुलिस ने कहा कि इस वारदात को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये किसी लूटमार या डकैती के कारण नहीं, ये फायरिंग आपसी रंजिश के चलते की गई थी। जयपुर से शिल्पी मित्तल की रिपोर्ट।